Road Safety World Series Season 2. Co-powered by Paytm Se UPI and Fairplay News. Khelja, digital sponsor, mutual fund sahi hai. Namaskar, vanakkam, sasriyakal. ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स का पहला मैच होने वाला है आज रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में. सीजन दो है, वेन्यू नंबर 3 है. हम मौजूद हैं देहरादून में. शाइन, यू गॉट द कॉइन. रोड इज द कॉल. किक, यू वन इट. We're going to have a bat first. You're going to have a bat first? Yeah. What's the reason behind that? It looks a good pitch, so we're going to have a crack on it and see what's up. It's perfectly all right, actually. It's going to happen. But the good thing is that West Indies... एक बात थी कि कर्क एडवर्ड्स के पास बहुत कोई अच्छा उत्तर नहीं था आपके उस बात का कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं. बोले हमारी मर्जी है, लोग पहले भले ही गेंदबाजी करते हैं. कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं सुनील तनेजा, मेरे साथ स्वागत है मनिंदर सिंह का. चलिए, फाइनली हमें देहरादून में कुछ क्रिकेट एक्शन देखने को मिल रहा है और ये एक्शन पे रिएक्शन भी देख लीजिए. पहली गेंद पर छक्का. मनिंदर, खिलाड़ी भी हमसे कहीं ज्यादा लालायित थे क्रिकेट खेलने को. हथौड़ा शॉट, दोनों ने बाउंड्री के साथ शुरुआत की है. एक ही मैच हुआ था जो भारत का था और दूसरा ओवर शुरू. ड्वेन स्मिथ, जो अंदाज पहले ओवर की पहली गेंद पे दिखाया था, वही आक्रामक अंदाज अलग दिशा में अलग रनों के साथ दिखाया जरूर. रूम मिला है और गेंद को पहुंचाएंगे सीमा रेखा के बाहर. चौके के साथ ओवर शुरू हुआ, चौके के साथ समाप्त हुआ. दो ओवर्स के बाद 24 बिना नुकसान के. जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी, देखे किस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, कोई भी मौका नहीं चूक रहे. और आगे गेंद को पिच किया और अब फील्डर को भी दौड़ने की जरूरत नहीं है, बॉल बॉय अपना काम कर देंगे. ये बहुत करीबी मामला हो सकता है और आउट. बिल्कुल विकेट्स के सामने पकड़े गए पर्किंस. पहले ही अंदर मूव करके आए थे, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की थी. 9 रन पर आउट हुए, 34 पर एक वेस्ट इंडीज लेजेंड्स. और पहली ही गेंद अगर आपको ऑफ स्टंप के बाहर ऐसी फुल टॉस मिले तो चौके के लिए रसीद करने में कोई शंका नहीं रहती बल्लेबाज के मन में. चौके जरूर मिल रहे हैं. चौथा चौका है ये ड्वेन स्मिथ का इसी पारी में. ये उनके इलाके में आई और उठा दिया बॉलर के ऊपर से 6 रन के लिए. क्या गजब का स्ट्रोक था. उनके इलाके में गेंद जैसे ही आई, गजब का स्ट्रोक. ये हल्का सा खिंचा हुआ बॉल था ये लेंथ पे. आप ना तो ड्राइव कर सकते हैं ना कट कर सकते हैं, पर ऐसे देखिए आपके पास ताकत हो. और इस बार ऊंचा उठाकर मारने की कोशिश की है, सफल रहे और 6 रन. बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पैरेलल छक्का, कितनी ताकत इसके पीछे और क्या टाइमिंग. पचास रन पूरे हुए ड्वेन स्मिथ के. ड्वेन स्मिथ के 50 रन, क्या अद्भुत पारी खेली है. 26 गेंदों में ये 50 रन और उनके जो डगआउट में देखिए प्रसन्नता का माहौल. और वॉटसन की इस गेंद को उनके इलाके में थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉलर के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए. क्या स्ट्रोक है, क्या टाइमिंग. और इस बार फिर उठाया है ऑफ साइड में और ये फिर से 6 रन. क्या स्ट्रोक्स खेल रहे, हालांकि टाइमिंग इतना अच्छा नहीं था. If you're going to be in a car, wear a seatbelt. Make sure that the kids are all strapped in. Make sure when you're on a motorbike, well, you know, wear a helmet. Just keep things really, really safe, really basic. We all want to have fun in this environment, but make sure that you know you look after yourself. Shukriya Sabato, jis tarah se ummeed kar rahe the Australia ke Bradley ki wicket mil jayega aur 210 ka score wo keh rahe hain ki yahan pe chaseable hai. ड्वेन स्मिथ रिकॉर्ड हॉर्च बोल्ड में गेंद 65 और 98 पे दो. और इस बार फ्लाइट डिलीवरी थी जिसका कि फायदा उठाया देव नारायण ने.
पहला सिक्स उनके बैट से और क्या जबरदस्त शॉट थी। इस बार ये फ्लिपर गेंद थी, पुल करने की कोशिश और एक और इंपॉर्टेंट विकेट वेस्ट इंडीज के लिए। 28 रन बनाए देव नारायण ने 113 पर 3 वेस्ट इंडीज ने। कैच इट व्हाट, ये चौका देख लीजिए। पर ऐसा दृश्य मैदान के अंदर तो चलिए देखने को मिलता है, बाहर बहुत कम ऐसे दृश्य दिखते हैं जहां पहाड़ हो, झरने हो, नदियां हो। सीधा खेला है, सबसे सुरक्षित इलाका है शॉट खेलने के लिए। इस पारी का ये सातवां सिक्स है। चलिए इसी बीच एक और चौका मिल गया है वेस्ट इंडीज टीम को, पर ब्रेटली ने साफ कर दिया था अपने इंटरव्यू में कि लग रहा है उन्हें कि इस मैदान पे 200-210 का स्कोर भी चेजेबल है। ये इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी लेकिन आखिरी वक्त मिडॉन की तरफ खेल दिया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर है और उसके साथ आउट। लॉन्ग ऑन पर फील्डर था, पहले अपनी जगह से हटने की कोशिश की, स्ट्रोक के लिए जगह बना रहे थे ऑफ साइड में खेलने के लिए। तो थोड़ा भागे अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ और इस बार उनके इलाके में गिरी लेकिन ये टाइमिंग गलत हुआ। फिर भी पॉइंट पर कोई फील्डर नहीं है, बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट पर, 173 रन चार विकेट के नुकसान पर। ये बोल्ड ऑफ स्टंप लड़खड़ा गया, ओवर मिडिल स्टंप पर थी और गेंद के लाइन पूरी तरह से चूके, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे और ये थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बैक फुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड में, 6 रन के लिए जा रही थी गेंद लेकिन अंदर उछल कर, बहुत ही गजब की फील्डिंग, उछल कर गेंद को अंदर की तरफ फेंक दिया। और एक बोल्ड, ये देखिए किस तरह से गेम चेंज होता है, जहां हम 225 की उम्मीद कर रहे थे वहां पे 175 पे 5 अप और सिर्फ बची हैं 3 गेंदें। 2 विकेट वो ले चुके हैं इस ओवर में और इस बार यॉर्कर लेंथ गेंद थी, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और ले भी लेंगे, करें क्या, आखिरी गेंद थी, दौड़ना तो पड़ता ही। 20 ओवर्स पूरे हुए इस तरह, 178 रन 6 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए। बहुत बढ़िया वापसी की ऑस्ट्रेलिया ने, एक समय लग रहा था जब ड्वेन स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे कि स्कोर निश्चित रूप से 200 रन के पार पहुंच जाएगा, पर नहीं। और वेस्ट इंडीज लेजेंड्स का स्कोर कार्ड देखें तो स्मिथ के सबसे ज्यादा चमकीले रन 65 रन 33 गेंदों में और 46 रन एडवर्ड्स के 33 गेंदों में। फील्ड की सजावट देख लीजिए, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी नजर आ रहा है और डीप थर्ड मैन पर, स्लिप का इलाका खाली है तो गेंदबाज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मनिंदर पहले ओवर में। अब इनफैक्ट एक खिलाड़ी जा रहा है शायद पीछे तो बहुत ज्यादा परेशानी कर देंगे। हालांकि ये भी स्कोर जो बनाया है, जो ड्वेन स्मिथ ने बैटिंग की थी उस समय जो लग रहा था 200-200 के पार चला जाएगा स्कोर, लेकिन बाकी बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं हुआ जितना ड्वेन स्मिथ के लिए हुआ। सो सब बैट्समैन उस तरह से नहीं खेल सकते। और ये पहली गेंद इस बार हवा में खेली है, शॉट मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से, आउटफील्ड काफी हैवी है और इस बार गेंद उड़ी है। इस बार ना फील्डर को हिलने की जरूरत है ना कोई मेहनत करने की, पहला चौका इस पारी का। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और अब सीमा रेखा से बाहर, ये है फ्री हिट पर एक जबरदस्त शॉट। ये गेंद जा रही है 6 रन के लिए। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली थी मालूम था कि गंतव्य क्या है उस गेंद का। बार प्लेस कर दिया थर्ड मैन की तरफ, हाथ लगा वहां पर संतोखी का लेकिन उसके बावजूद बाउंड्री नहीं रोक पाएंगे। 3 ओवर समाप्त, 34 बिना किसी नुकसान के ऑस्ट्रेलिया ले गए। चौथा ओवर शुरू हो रहा है, थोड़ी सी स्लो गेंद थी और उसको पढ़ के बिल्कुल सही पते पर भेजा है डूलन ने, पहला छक्का उनका इस मैच का।
एक और बाउंड्री लीजिए। इनफील्ड को बीट कीजिए, रन मिलेंगे। एक टप्पा और चार रन। कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार मिडॉन घेरे के अंदर है, उसका फायदा उठाया। दूसरा छक्का है ये डूलन के लिए, उसका फायदा उठाया। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद, एक और सिक्स। पिछला संडे जो था बड़ा खराब गया, एक और चौका देखिए, फुल टॉस डाल दी। तो जेरम टेलर तेज तो कर रहे हैं पर गति संभाल नहीं पा रहे, और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में खूबसूरती के साथ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। छह रन, क्या स्ट्रोक है ये तो, क्या टाइमिंग है। क्या शॉट है, पैरेलल छक्का। ये है फर्क दोनों बल्लेबाजों में। दस ओवर्स के बाद जो है वेस्ट इंडीज ने विकेट खोए थे। यहां गेंद हवा में है और बिना बोर्डिंग पास की इस हवाई यात्रा के बाद रन मिलेंगे छह। शेन वॉटसन पांच चौके लगा चुके हैं और ये उनका पांचवां छक्का था। कंटिन्यू करें और इस बार जोरदार स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से, एक और सिक्स। और जिस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं कि मैदान छोटा है, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और मौजूदा रन गति 11 की है। लीजिए खरबूजे को देख के, खरबूजा भरपूर रंग बदल रहा है। ये पांचवा छक्का डूलन का भी है। और ये कलात्मक शॉट है। दोनों बल्लेबाजों के अब 6-6 सिक्स हो चुके हैं। में खेली गई ये शॉट, क्या कैच है, बेहतरीन कैच। कर्क एडवर्ड्स जो कि कैप्टन है वेस्ट इंडीज लेजेंड के, समझते हैं समय की नजाकत को, समझते हैं कि विकेट्स कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन बेहतरीन बैटिंग, 30 बॉल में 56 रन बनाए, 130 पर एक ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स। और बेन ने पहली ही गेंद पे डंक मारा है विरोधी टीम को, छक्के के साथ अपना खाता खोला है। और ऐसे अगर छक्के लगेंगे तो फिर आपको उस पार स्कोर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 ओवर्स के बाद 147 पर एक, दो ओवर अभी बाकी हैं उस फेज में। और शेन वॉटसन का इरादा है कि एक दो ओवर्स में इस मैच को खत्म करना है। बार फिर से जोरदार शॉट, एक और सिक्स, और ये आठवां सिक्स है वॉटसन का। एक और शॉट, बहुत बड़ी शॉट, फ्लाइटेड डिलीवरी थी और ये तो पहली मंजिल पर पहुंचा दी, क्या बात है। ये तो आउट के आसार हैं। तो शेन वॉटसन ना शतक पूरा कर पाए, ना अपनी टीम के लिए विनिंग शॉट मार पाए। 50 बॉल में 88 रन, 168 दो विकेट्स पर ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स। और उसमें से चार माइनस कर दीजिए, 7 बचे हैं। क्या इसी ओवर में जीतने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स? 4 रन मिलेंगे ओवर की आखिरी गेंद पर, स्कोर बराबर हो जाएगा। तो लीजिए इनफील्ड के ऊपर से गेंद गई है, एक और छक्का लगा है और ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सीजन 2 में अपनी दूसरी जीत हासिल की है, और बहुत बड़ी जीत। 15 ओवर और एक गेंद के बाद सिर्फ 2 विकेट गवा के 179 का लक्ष्य हासिल कर लिया है। यह मैच का लेखा जोखा, टॉस जीता वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ने, पहले बल्लेबाजी की। ड्वेन स्मिथ बहुत अच्छा खेल रहे थे कर्क एडवर्ड्स के साथ, परंतु 178 से ज्यादा उनकी टीम बना नहीं पाई, और जवाब में ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स की ओपनिंग जोड़ी ने ही मैच खत्म कर दिया था। शेन वॉटसन ने 88 बनाए, डूलन ने 56 बनाए, और 8 विकेट से उन्होंने ये मुकाबला जीता है।